नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। जय श्री राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। तो 2016 ग्रहों का धमाल, जिसमें हम बता रहे हैं आने वाले साल के ग्रहों की एक एक चाल। और आज जिस महीने के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है मई का महीना, जिसमें सूर्य और शुक्र कुछ ऐसा खेल रचने वाले हैं जो ना जाने आपके जीवन के कौन से पड़ाव पर असर डालेगा। लेकिन ये पड़ाव कौन सा है, ये असर क्या होगा, ये सारी बातों पर चर्चा तो होगी, लेकिन उस शख्सियत के साथ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चलिए सबसे पहले हम उनका अभिनंदन करते हैं और साथ ही जानते हैं इस विषय के बारे में। विचार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शैता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य शुक्र क्या खेल होने वाला है चार जी? देखिए, सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ मेष राशि में रहेंगे। बात चल रही है 2016 नामक वर्ष के मई महीने की। बैसाख कृष्ण नवमी तिथि में यह महाशुभारंभ करेगा अपना। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा उस समय, जिस समय 5:41 पर दिल्ली प्रदेश के अनुसार मई माह का शुभारंभ होगा। सूर्योदय वही समय है, 5:41 लग्न उदित रहेगा उस समय मेष, और लग्न की डिग्री रहेगी 15। मंगल बुध और बृहस्पति तीन तीन ग्रह उस दौरान वक्री चाल में रहेंगे, मतलब रक्षात्मक ग्रहों की क्षमता समाप्त। अब कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं होगा। उपाय, महा उपाय बचाएगा, चिंता ना करिएगा। तो सूर्य शुक्र एक साथ मेष राशि में हर राशि वालों के लिए अलग अलग असर डालेंगे। हम चुनकर लाए हैं नकारात्मक असर के विषय में, जिससे आप अपनी रक्षा कर सके, अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सके, और किन किन क्षेत्रों पर ये सूर्य और शुक्र की युति का असर पड़ेगा यह भी जानिएगा आप। 7 डिग्री के शुक्र रहेंगे 1 मई 2016 को, मतलब 23 डिग्री चलना उनको अभी शेष रहेगा। लगभग पूरा मई माह मेष में ही शुक्र का संचरण रहेगा। तमाम नक्षत्रों को संचालित करते हुए शनिदेव की, अच्छा उस समय धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, और मंगल रहेंगे शनि के साथ, मतलब वो भी सामर्थ्यहीन रहेंगे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बचाने वाला कोई प्लेनेट है नहीं, सिवाय आपके विवेक के, आपके ज्ञान के, जिसको जागृत करेगा हमारा महा उपाय। जानेंगे मेष से लेकर मीन तक क्या क्या आपके जीवन में उथल पुथल मच सकता है मई महीने में। पूरा लेखा जोखा राशिगत सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचेगा, और साथ ही साथ होगी एक सीक्रेट विश भी जो आपकी पूरी हो जाएगी हर रोज। एक इस तरह के अचूक फॉर्मूलाज आपके लिए आचार्य जी लेकर आ रहे हैं, जिनको आप अपनाकर, प्रयोग में लाकर अपनी एक ऐसी इच्छा को पूरी कर सकते हैं जो आज तक आपने सीक्रेट बनाकर अपने सीने में छुपाई हुई है, किसी के साथ शेयर भी नहीं की है। अच्छा, शायदा इसके लिए लोग पूछ रहे हैं कि मतलब उसी दिन करना है, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन है। जी जी, सीक्रेट विश को आप उसी दिन कर सकते हैं, ये सिर्फ 31 तक हम आपको देने वाले हैं। आज जो बताएंगे आज के लिए ही वो प्रयोग रहेगा, आज के नक्षत्रों को ध्यान में रखकर के आज ही करना है और आज ही वो विश पूरी होने की तरफ अग्रसर होगा। तो अभी तो कुछ दिन बाकी पड़े हैं, बहुत सारी सीक्रेट विश हर किसी की होगी, भाई मौका मत गवाइए और हर दिन नोट कीजिए सीक्रेट विश। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आपकी रक्षा के बारे में, यानी कि रक्षा कवच। तो नोट कीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। शुक्र आपकी कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी होगा, उसका असर आपके जीवन में निसंदेह पड़ेगा, भयानक ढंग से पड़ सकता है। क्या पड़ेगा आगे बताएंगे, कागज कलम तैयार रखिए। रक्षा कवच आज के दिन, काजल अपने पैर की मध्यमा उंगली पर लगाकर और फिर घर से प्रस्थान करिए आज के दिन की सुरक्षा की गारंटी के लिए। और कल अगर आप निकल रहे हैं कहीं आप यात्रा के लिए, तो उल्टे हाथ के अंगूठे से सीधे हाथ के शुक्र पर्वत पर चीनी रगड़ के निकलना है। उल्टे हाथ का, लेफ्ट हैंड का अंगूठा और सीधे हाथ का शुक्र पर्वत, यहां थोड़ी सी चीनी यहां दबाइए और रगड़िए, कहीं मिलेगा नहीं ऐसा प्रयोग। तर्क संगतता के साथ शुक्र को हम शुक्र के साथ कनेक्ट करके स्ट्रांग बना रहे हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान गोचर में शुक्र तुला राशि में पाप कर्तरी योग में चल रहे हैं, तो जिससे आपकी हर जगह रक्षा हो जाए, किसी भी तरह का दोष न आने पाए। चलिए अब दोष तो हम नहीं लाने देंगे आपकी सक्सेस के आड़े भी, और ये सक्सेस का फॉर्मूला यानी कि वो कुंजी, वो चाबी आप जरूर लेके जाइएगा। नोट कीजिए आज के और कल की सक्सेस की।
आज के लिए एक चुटकी चीनी में तुलसी की पत्ती का रस डालकर उसको ग्रहण करते हुए उसको खाते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, ये आपको एनर्जेटिक भी बनाएगा साथ ही साथ शुभता भी देगा। यह खाने के बाद फिर आप बड़ों के चरणों को स्पर्श कर लें और फिर आप घर से प्रस्थान करें। कल के दिन का सरसों का तेल सीधे कान के पास लगाकर यहां कहीं पर भी हल्का सा लगाइएगा और फिर आप घर से निकलिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए बिल्कुल अब बात कर लेते हैं मई 2016 की। अब ये मई का महीना हर राशि के जो भी जातक हैं उनके जीवन में किस तरह की उथल पुथल कर सकता है, किस तरह के नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन में आ सकते हैं, आगाह हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि हम तो आपको ये चेतावनी दे ही रहे हैं। आइए जान लेते हैं उस सारे तमाम प्रभाव। सबसे पहले मेष राशि, क्या उथल पुथल लेकर आए हैं सूर्य और शुक्र की उपस्थिति एक साथ। यद्यपि सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगे लेकिन फिर भी ये मात्र 15 मई तक रहेंगे, बाकी के 15 दिन तो ये वृषभ में आ जाएंगे जो कि शुक्र का ही घर है। अब ऐसी स्थिति में हर राशि के लिए कुछ न कुछ वाकई भूचाल जैसा ही ले आएंगे। शुरुआत मेष वालों से। सबसे पहले मेष वालों के लिए पिता से दूरी बन जाएगी। मित्रों, यहां पर दूरी हम तीनों प्रकार की ले आएंगे, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक। भगवान ना करे अगर बहुत ज्यादा आयु है तो आप पिता की क्षय भी संभव है। धन हानि कन्फर्म मानिएगा। द्वितीय से द्वादश में यह योग बन रहा है, धन भाव से द्वादश में योग बन रहा है, वृषभ से द्वादश में यह योग बन रहा है, तो पैसे की क्षति तय है। मेष वालों के बाद वृषभ राशि। अचानक से किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, बिल्कुल अचानक, मुसीबत भी ऐसी जो आप सोच भी नहीं सकते। सावधान रहिएगा, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो वो आपका फेल हो सकता है, जिस पर आप वर्षों से मेहनत कर रहे हो। तो मई माह में कुछ तारीखें भी हम बताएंगे आगे, जब आपको सावधान रहना है। मिथुन राशि, लाभ प्रभावित हो जाएगा, बिल्कुल ब्रेक लग जाएगा लाभ पर। जो आपकी आमदनी थी वो एकदम से रुकेगी, अनएक्सपेक्टेड रुकावट आएगा और चतुर्थ से अष्टम में बनने वाला योग है, लिहाजा मां से भी एक डिस्टेंस मेंटेन करवा देगा यह योग। यह युति शुभ नहीं है, खास तौर पे उत्तरोत्तर अर्थात 1 से 15 मई तो कन्फर्म मानिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के दशम भाव में यह युति बन रही है, कार्य क्षेत्र में अचानक से समस्या आएगी। शुक्र यहां पर महापीड़ित अवस्था में रहेंगे। मैंने शुरुआत में बताया कि तीन ग्रह, चार ग्रह वक्री रहेंगे, बुध, बृहस्पति, शनि इत्यादि। पिता से भी दूरी, दशम भाव चूंकि पिता का भी होता है तो पिता से भी दूरी, लेकिन यहां पिता की आयु को संकट नहीं है, विचारों में दूरी या हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए जहां आप नहीं जाना चाह रहे। सिंह राशि, भाग्यहीनता सी महसूस होगी आप, वक्री ग्रहों का प्रभाव यह आपके लिए महादोषपूर्ण स्थिति पैदा करेगा, साथ ही साथ वाहन दुर्घटना भी संभव है। यात्रा के दौरान खास तौर पर सावधान रहने की अनिवार्यता रहेगी। कन्या राशि, अष्टम में यह योग बन गया, ध्यान दीजिएगा, किसी गुप्त चिंता से परेशान हो सकते हैं, कोई अचानक से ऐसी चिंता कि आपके चेहरे पर सिकन आ जाए, आपके चेहरे पर पसीने ले आए, जिसको आप शेयर न कर सके, कोई कार्य आपसे छूट सकता है, बहुत बड़ा कोई काम जो आपने हाथ में लिया हो छूट जाएगा। तुला राशि के सातवें भाव में यह युति क्या गुल खिलाने वाली है देखते हैं। पति पत्नी में झगड़ा बढ़ जाएगा, तुला राशि की स्त्री है तो पति के साथ, तुला राशि का पति है तो पत्नी के साथ, तलाक तक की स्थिति बन सकती है, दो राय नहीं। धन चोरी हो सकता है, पैसा आपका कोई चुरा सकता है, आपका सेवक, आपका सहयोगी, आपका रिश्तेदार, पैसे भी बचाने हैं। वृश्चिक राशि, गुप्त शत्रु पनप सकते हैं, एकदम अचानक की घटनाएं घट रही मई महीने में, अनएक्सपेक्टेड, और पति पत्नी का भटकाव हो सकता है, पर पुरुष या पर नारी की तरफ आकर्षण गहरा हो सकता है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, धनु राशि, शिक्षा में गिरावट आ जाएगी, पंचम भाव में बनने वाला योग,
आप सबको थोड़ा सा ताज्जुब हो सकता है कि सूर्य तो मेष में है, फिर इतना नकारात्मकता क्यों? शुक्र तमाम सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य और भोग विलासिता का कारक है। जहां जहां लाभ तहां तहां शुक्र, और शुक्र पूरी तरह से दग्ध अवस्था में रहेगा, जल जाएगा। भले ही डिग्री में कितना भी ऊपर नीचे रहे तो क्या, लेकिन शुक्र अपना प्रभाव पूरी तरह खो चुका होगा। कार्य क्षेत्र में भी रुकावट धनुराशि वालों की रहेगा। मकर राशि, मकान का विवाद पनप सकता है। दोस्त यार पार्टनरशिप में, भाई के साथ, बहन के साथ, पिता के साथ, जहां आपके चल संपत्ति है वहां पर विवाद स्थिति बन जाएगी और प्रेम में निराशा मिल सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, प्यार मोहब्बत छूट सकता है। कुंभ राशि, भाई के साथ डिस्टेंस मेंटेन होगा और संतान की क्षति भी संभव है। पंचम से एकादशमी योग बन रहा है, जहां से संतान की क्षति का भी योग बन जाता है। अंतिम राशि मीन, स्वास्थ्य परेशान करेगा और धन का खर्च बढ़ जाएगा। बता दिया है हमने सब राशियों के लिए खास खास तौर पर कहां कहां पर असर पड़ रहा है, कुछ तारीखें भी हम बताएंगे जिन तारीखों में ये असर बढ़ सकते हैं, सावधानी रखनी पड़ेगी। और चलिए यहां पर वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक को जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुडलक बॉक्स में से एक ऐसा अचूक फॉर्मूला निकलने वाला है, वो उपाय जो आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। जी हां, कर्ज जिसका दंश आप कई सालों से झेल रहे हैं, तो अब ये मौका आ गया है गुडलक बॉक्स के जरिए उस उपाय को जानने का। देखिए फिलहाल उसकी झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट। वो जवाब ऐसे थी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का, कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। यहां आपको हम लगातार वाकिफ करा रहे हैं ग्रहों की चाल के बारे में। अब ये ग्रह कौन कौन से महीने में अपने ज्यादा बल के साथ आपके सामने आएंगे, जी हां, वो कितने बलशाली रहेंगे या फिर वो क्षण रहेंगे, और जिसके चलते आपके जीवन में न जाने कैसे कैसे प्रभाव आने वाले हैं, इन तमाम चीजों से आपका बता ही रहे लगातार आचार्य संतोष संतोषी जी हमारे साथ हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि शुभ, मध्यम और बहुत ही अशुभ अगर प्रभाव किन राशियों पर पड़ेंगे, वो राशियां कौन सी है जानते हैं। वर्ष 2016, महीना मई का 5वां महीना, किस प्रकार का असर हर ग्रह का ओवरऑल अब पड़ेगा आपके ऊपर, ये हम राशिगत तरीके से बता रहे हैं। शोध हमारा है, आपको एग्जैक्ट निकलेगा, ये आप अपनी लाइफ में सब नोट करते जाएंगे, पता चल जाएगा कि हम कितना गहराई के साथ इन सारी चीजों को परोस रहे हैं। चल बताते हैं किनके लिए बेहद शुभ है, जो डांस कर सकते हैं मई महीने में। मेष,
तुला और धनु राशि, ये तीन राशियों के लिए महाशुभ रहेगा और इतना शुभ रहेगा कि वाकई जो दंश मिलने वाला है, जो दर्द मिलने वाला है, भूल जाएंगे। जिनके लिए मध्यम है, कम असरदार है, स्क्रीन पर है, नोट करिएगा, वृषभ, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, ये चार राशियां हैं जिनके लिए थोड़ा सा कम असरदार रहेगा, मतलब शुभता की मात्रा बेहद कम रहेगी। अब बाकी लोगों की धड़कने बढ़ गई ना, क्योंकि दो बताने के बाद जितनी शेष उनके लिए अशुभ, लेकिन चिंता क्यों करते हैं जब तक हम लोग साथ में हैं। मिथुन, सिंह, कन्या, मकर और मीन, ये पांच राशियां ऐसी हैं जिनके लिए मई महीने में लगभग कुछ भी नहीं है, और लेकिन परेशान नहीं होना, कहीं से भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं पर हमारी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल होता है कि हम अशुभता को शुभता में कन्वर्ट कैसे करें। निश्चिंत रहिएगा, मेहनत भले थोड़ा सा ज्यादा लगेगा लेकिन शुभ वालों के करीब तो ले ही जाएंगे आप। लेकिन आचार्य जी, हमारे दर्शकों के दिल में एक सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आचार्य जी रोज आते हैं कार्यक्रम में और नेगेटिव चीजें बता देते हैं, चेतावनी, उपाय नहीं बता रहे हैं, ये माजरा क्या है? मैसेज भी आ रहे हैं इस चीज को लेकर, तो ये माजरा क्या है, उपाय क्यों नहीं बता रहे? उपाय हम आपको नए नए वर्ष में बताएंगे, नया साल लग जाएगा तो अभी आप सब जानते चलिए, और 1 तारीख से इसकी शुरुआत होगी जब हम उपाय का पूरी तरह सिलसिला शुरू करेंगे आपके लिए, क्योंकि अभी तो हम धमाल बता रहे हैं, धमाल बता, हो सकता है कि फिर कमाल बता दे। हाँ बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कल आज और कल कभी भी आपके लिए बुरा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा करने ही नहीं देंगे हम, उपाय भी आपके लिए होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। चलिए अब आशीष से बात कर लेते हैं, इलाहाबाद से जुड़े हमारे साथ आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। गुड मॉर्निंग सर जी, आचार्य जी चरण से प्रणाम। वेरी गुड मॉर्निंग श्रीराधे भैया, श्रीराधे, बहुत आशीर्वाद। अरे आचार्य जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको फोन लग गया, बहुत दिन से परेशान हूँ। अच्छा, हम भी बहुत खुश हैं कि इलाहाबाद की पावन नगरी से आपसे वार्तालाप हो रही है। बस आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है, जन्मतिथि है 24 जून 1988 जी, और डेट ऑफ जो प्लेस है वो है रीवा, त्योथर तहसील है सर, त्योथर। हाँ, और जन्म है, टाइम है 4:45 से 5:30 के बीच में शाम को। अच्छा गुरुजी, 3 प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न ये है कि गुरुजी मेरी राशि क्या है और इष्ट देव कौन है? अच्छा, 2 प्रश्न हो गया, और कोई प्रश्न आशीष जी? कोई और प्रश्न है आपका? हाँ हाँ, 3 क्वेश्चन गुरुजी, मेरी राशि क्या है, इष्ट देव कौन है। दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी कि मैं 4 वर्षों से सीए आईपीसीसी का एग्जाम दे रहा हूँ तो वो निकल नहीं पा रहा है जी, फिर किस्मत में सीए है गुरुजी या नहीं है, नहीं है तो फिर किस क्षेत्र में अप्लाई करूँ जी, और कब तक जॉब लग जाए गुरुजी? चलिए ठीक है, आपने 3 प्रश्न किया था, 6-7 प्रश्न हो गए आपके। आशीष देखिए, वृश्चिक लग्न आपका भैया और तुला राशि है, आपने लग्न राशि पूछा था, इष्ट देव के विषय में आपने प्रश्न किया आशीष, तो इष्ट आपके अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा की उपासना शुभ होगा, शायद आप इन्हीं की पूजा करते भी होंगे। आपने सीए के एग्जाम के लिए पूछा, बिल्कुल आप दे सकते हैं, अकाउंट्स आपके लिए महाशुभ रहेगा, हो जाएगा, कुछ और करने के लिए विचार न करिएगा। हाँ, लगभग 45-50 वर्ष की अवस्था आते आते अपना व्यापार करेंगे और आपके नाम से व्यापार फलेगा भी, खूब आशीर्वाद लेते रहिए बड़ों का, निश्चिंत रहें, सात्विक रहें, थोड़ा सा वाणी पर अंकुश रखिएगा, कम बोलिएगा, वाक शक्ति बचा के रखें। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं राहु काल, गुलिक काल के बारे में भी, लेकिन हम आपको एक और बार फिर से बता देते हैं कि अगर ऐसी कोई भी समस्या है जो कि आप फोन के द्वारा आचार्य जी के साथ नहीं साझा कर सकते हैं, इस मंच पे नहीं बता सकते हैं, तो आप मेल के जरिए भी अपनी समस्या हमें भेज सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी भी चलती रहेगी। लेकिन बिल्कुल अब बारी आ गई है राहु काल की, गुलिक काल की, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का और कल का राहु काल। आज के राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक, इस बीच शुभ काम से बच के रहें, नुकसान होता है। कल का राहु काल रहेगा प्रातःकाल 10:30 से ठीक 12 बजे तक, कुछ ना करिएगा, मुश्किलें आती हैं।
आचार्य जी, राहु काल के साथ ही हमें याद आया कि कल एक मेल आई थी जिसके अंदर एक दर्शक ने हमें ये पूछा गया है, स्पेशली पूछा है राहु काल से जुड़ा हुआ प्रश्न कि आपसे पूछा जाए कि अगर किसी की शादी गलती से इस राहु काल के समय के बीच में हो जाए या कोई बेबी बॉर्न होता है वो भी इसी समय में हो जाए या कोई नामकरण या कोई भी शुभ काम अगर ना जानते हुए हो जाए तब क्या कर सकते हैं, अगर वो आगे चल के अशुभ हो जाएगा। बिल्कुल चाहिए, देखिए राहु काल में विवाह तो असंभव है क्योंकि विवाह भारतीय संस्कृति के अनुसार रात में ही मैक्सिमम होता है। बच्चे के जन्म के साथ राहु काल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पर लग्न और नक्षत्र बलवान होते हैं। हाँ, बाकी चीजें जैसे मान लीजिए कि नामकरण, गृह प्रवेश इत्यादि संभव है क्योंकि राहु काल शाम 6:30 के अंदर अंदर में पड़ता है, सुबह 6 से शाम 6:30 के अंदर अंदर में पड़ता है, सोमवार से रविवार के बीच में। अगर ऐसे कुछ कृत्य हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट निगेटिव पड़ना तय है, संभव है कि आपको नुकसान ज्यादा उठाना पड़े। उसके लिए राहु नामक ग्रह की शांति वैदिक रीति से करवा लेनी चाहिए, समय रहते जैसे ही पता चले उसके बाद शांति हो जाती है। चलिए, बहुत ज्यादा संभव है कि वो दर्शक अब इस वक्त देख भी रहे होंगे हमारा कार्यक्रम, तो आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अब गुलिक काल की बारी आ गई है यानी कि शुभ समय जिस दौरान आप अपने सारे शुभ काम का जितने भी हैं सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं, तो नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल। गुलिकाल का समय आज के दिन प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। इस बीच जो भी शुभ काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, काम आपके बन जाएंगे। कल का गुलिकाल आपके स्क्रीन पर नोट करें आप, 7:30 से 9 बजे तक के प्रातःकाल का समय है, करिए ना जो करना है, सब कुछ आपका है। तो हमारे पास बहुत सारी मेल भी आती हैं और आप भी हमें मेल कर सकते हैं। एक ऐसी ही मेल आई है, रविशंकर श्रीवास्तव है, 28 दिसंबर 1968 जी और 6:30 बजे सुबह के, इलाहाबाद का जन्म है। आचार्य जी ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो 2013 से अब तक 3 जॉब छूट चुकी हैं, जो लास्ट कंपनी थी वो एक मेडिसिन की कंपनी में काम करते थे। हाँ। ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा भविष्य रहेगा मेरा इसी चीज में, बिजनेस करें या जॉब की ही तलाश में अपने आप को जारी रखें, और वाइफ के नाम से और जिसके वाइफ के नाम से एक बिजनेस शुरू किया था, 3 पार्टनर भी उसमें साथ थे, क्या उसके अंदर अभी आगे एज एम्प्लॉय ने काम करना चाहिए या एज पार्टनर ही काम करना चाहिए? बिल्कुल श्रीवास्तव जी, देखिए आपका धनु लग्न है और मीन राशि है और इसके अनुसार आप नौकरी ही कंटिन्यू करिए। जॉब छूटती जा रही इसके पीछे के कारण आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो जाता है। माँ बगलामुखी की शरण में रहें आप, जितना हो सके पीले रंग के वस्त्र पहने। माँ बगलामुखी की शरण में रहने से और सात्विक आहार ग्रहण करने से कुछ हद तक शुभता मिल जाएगी। व्यापार आपके भाग्य में नहीं है, साझेदारी तो भूलकर सपने में ना सोचिएगा। चौथे घर में चंद्रमा, शनि और राहु 3-3 ग्रहों की उपस्थिति है। सुख की कम अभिलाषा रखें, दुख में सुख तलाशने का प्रयास करें। बात में गहराई है आप अगर समझ गए होंगे, क्योंकि आपके भाग्य में ही सुख कम है। चंद्र राहु का ग्रहण योग सुख भाव में है तो सुख समाप्त हो जाता है। राहु के लिए गौदान अगर संभव है तो कर दीजिएगा। और चलिए वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। आज मई के बारे में चर्चा हो रही है तो कल जाहिर सी बात है जून के बारे में चर्चा होगी। 2016 का जून महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? मंगल शनि पंचम भाव, पंचम भाव यानी कि संतान का भाव, और संतान के साथ ही कुछ न कुछ हो सकती है कि गड़बड़ हो जाए, अब उससे तो बचना पड़ेगा। ये भी बात संतान की हो रही है तो कल सुबह का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस हेडलाइंस के बाद। उपाय महा उपाय बचाएगा, चिंता ना करिएगा। तो सूर्य शुक्र एक साथ मेष राशि में हर राशि वालों के लिए अलग अलग असर डालेंगे। हम चुनकर लाए हैं नकारात्मक असर के विषय में, जिससे आप अपनी रक्षा कर सके, अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सके, और किन किन क्षेत्रों पर ये सूर्य और शुक्र की युति का असर पड़ेगा यह भी जानिएगा आप। 7 डिग्री के शुक्र रहेंगे 1 मई 2016 को, मतलब 23 डिग्री चलना उनको अभी शेष रहेगा। लगभग पूरा मई माह मेष में ही शुक्र का संचरण रहेगा। तमाम नक्षत्रों को संचालित करते हुए शनिदेव की, अच्छा उस समय धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है और मंगल रहेंगे शनि के साथ, मतलब वो भी सामर्थ्यहीन रहेंगे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बचाने वाला कोई प्लेनेट है नहीं सिवाय आपके विवेक के, आपके ज्ञान के, जिसको जागृत करेगा हमारा महा उपाय। जानेंगे मेष से लेकर मीन तक क्या क्या आपके जीवन में उथल पुथल। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा।
जय श्री राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। तो 2016 ग्रहों का धमाल जिसमें हम बता रहे हैं आने वाले साल के ग्रहों की एक एक चाल। और आज जिस महीने के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है मई का महीना, जिसमें सूर्य और शुक्र कुछ ऐसा खेल रचने वाले हैं जो ना जाने आपके जीवन के कौन से पड़ाव पर असर डालेगा। लेकिन ये पड़ाव कौन सा है, ये असर क्या होगा, ये सारी बातों पर चर्चा तो होगी लेकिन उस शख्सियत के साथ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले हम उनका अभिनंदन करते हैं और साथ ही जानते हैं इस विषय के बारे में। विचार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शैता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य शुक्र क्या खेल होने वाला है चार जी? देखिए सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ मेष राशि में रहेंगे। बात चल रही है 2016 नामक वर्ष के मई महीने की। बैसाख कृष्ण नवमी तिथि में यह माह शुभारंभ करेगा अपना। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा उस समय, जिस समय 5:41 पर दिल्ली प्रदेश के अनुसार मई माह का शुभारंभ होगा। सूर्योदय वही समय है 5:41। लग्न उदित रहेगा उस समय मेष और लग्न की डिग्री रहेगी 15। मंगल बुध और बृहस्पति तीन ग्रह उस दौरान वक्री चाल में रहेंगे, मतलब रक्षात्मक ग्रहों की क्षमता समाप्त। अब कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं होगा।